वायरल हो जाऊंगा मैं। 10 मिलियन व्यूज, सॉरी 100 मिलियन व्यूज, एक्सपोजिंग बेंच स्टैंड। So what's up guys, मैं आप लोगों का लुक्स वाइज एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो लाइक आज मैं जा रहा हूँ माउंट मैरी बैंड्रा, वो भी सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि आज बहुत अकेला हूँ मैं। आज अकेला हूँ तो क्या हुआ, कोई मेरा भी था कुछ दिन पहले। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं इस दुनिया में। नहीं मेरी बहन है जो मेरे सामने बैठी है नीचे कपड़ा पहन के घूमने जा रही है और मैं अकेला। मैं तेरी जैसी नहीं घूमता। अच्छा सॉरी, क्लासेस जा रही है, क्लासेस जा रही है मेरी बहन, मेरी बहन क्लासेस जा रही है। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट रहा है। सो लाइक आज मैं जा रहा हूँ अकेले, तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस व्लॉग को शुरू कर दे। सो लाइक अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी मैं जाना है बाहर। बाहर जाके मेरे को शेयर ऑटो मिलेगी, 15 रुपये लेगा वो, वहाँ से डायरेक्ट स्टेशन, स्टेशन से बैंड्रा, बैंड्रा से बस, फिर उसके बाद अपना सामने माउंट मैरी है। बोलने में आसान लगता है पर बोलना आसान नहीं है। सो लाइक अभी मैं एरिया से निकल चुका हूँ, अब स्टेशन जाने का कुछ 15 रुपये होगा, उसका ट्रेन का कुछ 10 रुपये होगा रिटर्न टिकट का, और वहाँ से फिर बस का कुछ वो भी कुछ 5-10 रुपये होगा। ट्रैवलिंग मतलब 50 रुपये के अंदर ही हो रहा है। बात तो सही है। तो टेंशन नहीं है, अभी उधर ही जा रहा हूँ ऑटो पकड़ के निकलते हैं स्टेशन के लिए। सो ये ऑटो स्टैंड, यहाँ से अभी मेरे को स्टेशन के लिए रिक्शा मिलेगी। अभी मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ। सो अभी ये 2 सीट खाली है तो फुल होने का इंतज़ार करते हैं, फिर ये ऑटो वाला लेके जाएगा स्टेशन पे। जब तक ऐसे ही गर्मी में बैठना है। अभी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, टिकट ले लिया हूँ, ट्रेन का इंतज़ार करना है, ट्रेन आएगी डायरेक्ट बैंड्रा। बैंड्रा स्टेशन पे तो अभी पहुंच गया हूँ, अभी मेरे को सिर्फ उस तरफ क्रॉस करना है, फिर वहाँ से बस पकड़ के डायरेक्ट बैंच स्टैंड के लिए, मतलब बैंच स्टैंड के ठीक बाजू में ही है माउंट मैरी, तो बैंच स्टैंड का ही बस पकड़ना है। एग्जैक्टली बस नंबर आइडिया नहीं है, बट उधर बस स्टॉप है जिधर सब बैंच स्टैंड जाते हैं, सब कपल लोग गुलू गुलू करने, तो अभी मेरे को उधर ही जाना है। गुलू गुलू तो लाइक एक्चुअली थोड़ा बहुत चूतियापा हो गया, मेरे को आगे के बस स्टॉप पे रुकना था, बट गलती से मैं बीच रास्ते पे उतर गया। इधर मैं उतरा हूँ, वहाँ से थोड़ा 15 मिनट का रास्ता है चल के जाने के लिए, कोई बात नहीं। सही पकड़े हैं। लाइक थोड़ा पहाड़ चढ़ना है, फिर वहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से जाना है। तो बेसिकली बहुत जन को कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई तू जा रहा ही क्यों उधर। एक्चुअली कॉलेज के टाइम मैं बहुत घूमने का, इधर नहीं तो उधर, कॉलेज को बंक करके। हर कोई करता है यार कॉलेज बंक, नहीं मैं अकेला करता हूँ। सो कॉलेज को बंक करके इधर उधर सब जगह घूमते रहने का। अभी काम पे लग गया हूँ तो उस टाइम से टाइम नहीं मिल रहा है घूमने का अकेले। सो अपने आप को लेके घूम रहा हूँ। सो लाइक ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, अभी यहाँ से कैंडल लेना है और अंदर जाना है चर्च के अंदर, कैंडल्स ले लिया हूँ। लाइक मेरे पहचान वाले हैं एक, मतलब फ्रेंडशिप हो गई थी एक के साथ, तो उनसे ही बात कर रहा था, और कैंडल्स ले लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ अंदर ही।
चर्च में गया था अभी, और जैसे ही टेंपल और मस्जिद में जाते हैं तो कैसा पीस मिलता है, वैसे ही इधर भी सुकून मिला मेरे को। फाइनली इनर पीस। बेटा थोड़ा सुकून मिला, लाइक भगवान के घर पे आते तो सुकून बहुत मिलता है। अभी मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट सा रास्ता है, मैं यहाँ से ही नीचे उतर के इधर बैठा हूँ, ये इसके ठीक सामने ही बैंड स्टैंड है, तो मैं उधर जाऊँगा, वहाँ से बस पकड़ के डायरेक्ट घर पे, और देखते हैं कि बैंड स्टैंड में कोई कपल दिखते हैं कि नहीं गुलू गुलू करते हुए। सो बेसिकली मैंने आपको बोला मैं ठीक शाहरुख खान के बंगले के बाजू में बैठा था, ये देखो मेरे ठीक पीछे शाहरुख खान का बंगला है। और कुछ नहीं गाइस, मैं आया था शाहरुख भाई से मिलने, शाहरुख भाई तो मिले नहीं। आई एम कमिंग नेक्स्ट टाइम, इज दी नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग बैक टू शाहरुख खान मीट, आई एम कमिंग नेक्स्ट टाइम। पर नेक्स्ट टाइम इज बॉम्बे सेंट्रल इज ऑन कमिंग, दिस बॉम्बे सेंट्रल इज नेक्स्ट टाइम इज बैड लक इज द नेक्स्ट टाइम इज। साला इतनी गर्मी में कौन बैठता है यार काले पत्थर पे। वो अलग बात है कि कॉलेज टाइम पे मैं भी आता था इधर बैठने के लिए काले पत्थर पे। असली है ये लोडा। टाइटल एक्सपोजिंग बैंडस्टैंड लुईस वाइन्स। काले पत्थर पे लैला मजनू बेटे बन के जुगनू। मस्त प्लान है। हाँ पानी का बोतल भी ले लिया क्योंकि गर्मी बहुत है इधर। ओह माय गॉड लव बर्ड्स माउथ टू माउथ। ओह शिट, मेरे को लगता है ये मरीन लाइन के ही पत्थर है क्योंकि कॉलेज के टाइम पे मैं आया था मरीन लाइन बंग मार के मेरी एक फ्रेंड के साथ, तो उसके लिए मैंने ये लिखा था, देख रहे हो उसका ही नाम है ये, पता नहीं क्या लिखा है मैंने पर लिखा था मैंने। वो हार्ट का शेप तो दिख रहा नहीं है पर कुछ और ही दिख रहा है, वो छोड़ जाने दो इग्नोर। समझ रहे हो आप? जो कुछ भी है वो फनी वे में लो, ऑफेंड मत करो किसी को, मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फनी वे में ले रहा हूँ। लाइक करो फॉलो करो। एज अ डिस्क्लेमर ये वीडियो को मजाक में ही लेना, ये जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पीसफुल है, कपल्स लोग ज़्यादा ही आते हैं इधर क्योंकि इधर पीसफुल है। इधर दो कपल्स बैठे हैं, उसके बाजू में चार जेंट्स बैठे हैं, वो अलग बात है। मैं भी देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ से वो ही दिख रहे हैं उन लोग, मतलब उन लोग उसको देख रहे हैं, इन लोग उसको देख रहे हैं, उन लोग का मतलब प्राइवेट टाइम बीच में ख़राब हो रहा है, और मैं अकेला सिंगल बंदा इधर खड़ा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, वो भी किसके लिए, आप लोगों के लिए। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अगर चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके और मैं जा रहा हूँ घर पे अभी, मेरे को इधर रहना नहीं है ज़्यादा टाइम तक, तो मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उड़ गए कपल लोग उड़ गए, चलो मैं भी निकलता। सच में मेरे को मेरी एक्स दिखी, वो उधर ही कोने में किधर तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा हाथ हिलता हुआ दिख रहा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी ऐसे ही हाथ हिला रही थी, वो शायद से बर्तन या कपड़ा धो रही होगी वो उसके साथ बैठ के।